बस अड्डा हमीरपुर के बाहर एक बस को कार ने टक्कर मार दी। इसके साथ ही एक स्कूटी को भी टक्कर मारी, जिस कारण स्कूटी नाली में जा गिरी। बस को टक्कर मारने के बाद कार चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया है। हादसे के बाद काफी समय तक जाम लगा रहा। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर जब पुलिस पहुंची तो मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। गनीमत ये रही कि जब स्कूटी को टक्कर लगी तब चालक इसके ऊपर नहीं बैठा था, नहीं तो बड़ा हादसा पेश आ सकता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बस के चालक ने बताया कि बस अपने निर्धारित रूट पालमपुर से दिल्ली के लिए जा रही है। हमीरपुर बस अड्डा में कुछ देर खड़ी होने के बाद अपने गंतव्य के लिए जैसे ही अड्डे के बाहर निकली वैसे ही हादसा हो गया। बस स्टैंड से रोड पे क्रॉस हो चुकी है, कार वाले ने जबरदस्ती आके बाबा बस के बम्पर में टक्कर मार दी और भाग गया। भाई 70-60 और गाड़ी को मार के भाग गया है। वीडियो ठीक है, लाइट भाई फटाई से वीडियो बताइए। बस स्टैंड से रोड पे क्रॉस हो चुकी है, कार वाले ने जबरदस्ती आके बाबा बस के बम्पर में टक्कर मार दी और भाग गया। भाई 70-60 और गाड़ी को मार के भाग गया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल प्रस्तुत करता है अरनी यूनिवर्सिटी हिमाचल की आवाज 2024 जूनियर और सीनियर कैटेगरी सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। प्रदेश भर में हो रहे हैं ऑडिशंस, विजेताओं को मिलेंगे नगद पुरस्कार। अगर आपकी आवाज में भी है जादू तो आप भी हो जाइए तैयार। हम आ रहे हैं आपके शहर, ऑडिशंस शुरू हो रहे हैं 31 अगस्त से। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर हिमाचल की आवाज पेज को लाइक करें।